What's up you guys, so welcome or welcome back to my YouTube channel. So yeah, this is another that commentary kind of video, so let's just get into it. So yeah, today we are going to talk about another, you know, trending thing, and today's topic is de-influencing. So yeah, start karte hain ye video. Aage badhne se pehle, if you are new to this channel, please like, share, subscribe. Every subscriber means a lot. Ek bhi mera subscriber badhta hai, mujhe bahut khushi hoti hai. So please consider subscribing, like this video, and let's get started. So this is the new trend in, especially in TikTok. So yeah, ye naya kuch start hua hai. So let's just talk about it. So everybody and their mother on the TikTok is de-influencing now. So ab ye naya kuch start hua hai. ये है, यू नो, जैसे हमारे YouTube पे द वेरी ओरिजिनल एमरी किम्बली क्लार्क, उनने आई थिंक ये स्टार्ट किया था, फिर सबने उसको कॉपी किया, एंटी हॉल, फिर लोग उससे तब बोर हो गए, लोगों को लगा कि यू नो एवरीबडी इज़ नाउ सजेस्टिंग व्हाट वी शुड नॉट बाय, एंड जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है. लाइक मुझे कुछ नहीं ख़रीदना है तो मैं यहाँ आके नहीं अनाउंस कर रही हूँ, आजकल तो नहीं कर रही हूँ कि मैं क्या परचेज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यू नो वो बहुत ज़्यादा ही हो गया था. या मंथ से ना, यू नो, सिक्स मंथ, थ्री मंथ ठीक है, बट हर रोज़ एंटी हॉल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, सो या, और मैंने अभी देखा है कि रिसेंटली एटलीस्ट इन इंडिया थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है, और यू नो अब एकदम न्यू लॉन्चेस नहीं हो रहे हैं. हालांकि वी हैव दिस क्रेज़, यू नो, ब्रांड लॉन्च बाय स्विस ब्यूटी. अपार्ट फ्रॉम डैट अभी थोड़ा सा मैं ही चल रहा है, लाइक कुछ नया इतना लॉन्च हो भी नहीं रहा है. सो या, सो इतना भी यू नो एंटी हॉल की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं है, क्योंकि इतना कुछ लॉन्च नहीं होता इंडिया में. सो नॉट एट द डेट जैसा US में लॉन्च होता है, वो तो एक एक्सट्रीम ही है. सो या, लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो डी इन्फ्लुएंसिंग एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें नाउ द टिकटॉकर या द सेम टिकटॉकर जो हर चीज़ से ऑब्सेस थे, उनको हर चीज़ बेस्ट लगती थी, अब उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और वो लिटरली मेकअप ऐसे उठा के ऐसे फेंक रहे हैं. डिसरिस्पेक्टफुल, बिकॉज फॉर मी इट्स एन आर्ट फॉर्म, लाइक इट्स मोर देन आर्ट, यू नो, इट्स मोर अबाउट, यू नो, माई अपीयरेंस, इट्स मोर अबाउट आर्ट. एंड मेरे लिए यू नो जो भी मेकअप करता है वो एक आर्टिस्ट ही है, एक यू नो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अवर सेल्फ, एंड यू नो इस तरह से एक आर्ट को फेंकना उसकी बेइज्जती है. सो या, दैट्स हाउ आई फेल्ट रियली बैड. यू नो मैं समझ सकती हूँ कि एक मिनट में यू हैव टू ग्रैब दैट अटेंशन, बस उसकी भी ज़रूरत नहीं है. यू नो टू बी ऑनेस्ट, मेरे यू नो टिकटॉक तो यहाँ बैन हो गया है, तो मौज है उसकी जगह, उस पर नाउ आई हैव लाइक 15,000 फॉलोअर्स, और मैं जो भी यूट्यूब पे डालती हूँ वही वहाँ डालती हूँ, मे भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, बट मेनली वही होता है. और जो ये लॉन्ग वीडियोस होते हैं जिन्हें यहाँ व्यूज़ नहीं आते, वहाँ वो 1 मिनट कर देती हूँ मैं, भर भर के व्यूज़ आते हैं वहाँ. तो या, 3-4 हज़ार आराम से यू नो मेरे हैं ही, एक अपलोड करते ही मज़े आ जाते हैं. सो इट्स वेरी गुड फॉर मी, और मुझे कुछ ऐसा क्लिक बेट या कुछ ऐसा भड़कीला सा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ. ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं. मुझे लगता था कि यू नो मुझे यूट्यूब पे कोई नहीं सब्सक्राइब करता, वहाँ कैसे करते हैं, बट वहाँ पे लिटरली मुझे इस वक्त टचवुड 250 लोग तो डेली सब्सक्राइब कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. और मैं अगर कंसिस्टेंट होती हूँ, ग्रोथ दिखती है मुझे, अपलोड नहीं करती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते. तो ये मुझे समझ में आया मौज का, टिकटॉक का, कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि यू विल नॉट गेन फॉलोअर्स. और वहाँ पे लिटरली यार कुछ आर्टिस्ट हैं जो वाकई में आर्टिस्टिक, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती, सिंपल मेकअप है ये, वो लोग बहुत ही आर्टिस्टिक चीज़ करते हैं, और थोड़ा सा फन ले आते हैं, या कुछ सिंपल आर्ट ही करते हैं, कुछ डरावना, यू नो जैसा मेकअप, यू नो, जो होता है हेलोवीन टाइप करते हैं, तो लाइक दे आर मैसिव, 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन बड़े बड़े वहाँ पे यू नो टिकटॉकर्स. टिकटॉक ही है मौज इंडिया का, बट आई थिंक मौज इज़ बेटर इन माई ओपिनियन. ओके, है ना, इतना मुझे कोई ऑब्सेस नहीं लगा, हर प्रोडक्ट से ऑब्सेस कोई नहीं है जैसा टिकटॉक पे है. ओके, सो टिकटॉक तो यू नो आजकल कुछ ना कुछ ड्रामा वहाँ पे हो रहा है. आई थिंक टिकटॉक इज़ गोइंग टू दैट फेस जहाँ पे यूट्यूब पहले था,
तो यूट्यूब पे भी यू गॉट सो मैनी पेड अनडिस्क्लोज स्पॉन्सरशिप्स एंड ऑल, देन फिर सब एंटा हॉल करने लगे, बहुत ज़्यादा हो गई, अति हो गई उसकी, फिर लोगों ने वो भी बंद कर दिया, फिर यू नो नाउ एवरीबडी इज मूविंग टूवर्ड्स यू नो दैट कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म ज़्यादा है अब आजकल, यू नो नॉट एवरी थिंग इज द बेस्ट एंड यू नो यूट्यूबर्स आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ, क्योंकि वहाँ इतनी ब्रांड्स लॉन्च हो रही है, उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है, कहीं ना कहीं से पी आर आ ही जाएगा. सो दैट्स आई थिंक अभी टिकटॉक पे, क्योंकि 1 मिनट में ना वैसे भी इतना पता नहीं पड़ता है यू नो कि कोई कितना फेक कर रहा है, इतना नहीं समझ में आता है जितना कि एक लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियो में समझ में आता है. सो आई थिंक दैट्स वाई लॉट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड स्पॉन्सरशिप, लॉट ऑफ यू नो फेक रिव्यूज, एवरी थिंग इज द बेस्ट एंड ऑल, एंड नाउ एवरी थिंग इज द वर्स्ट एंड ऑल. सो यू नो आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है टिकटॉक से, एंड यूट्यूबर्स हैज यू नो ओपनली टोल्ड कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलता है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब स्पॉन्सरशिप, विच इज़ अ बिग थिंग यू नो कि यू नो टिकटॉक पे ज़्यादा अब लोगों को पैसे मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब. अदरवाइज यूट्यूब वॉज दी प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक इट्स स्टार्टिंग टू गेट बीट ऑन इन माई ओपिनियन, बट आई थिंक मुश्किल है थोड़ा, बिकॉज यू नो यहाँ पे जो कनेक्शन हो जाते हैं, यहाँ पे जो कमेंट्स होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, इतना मुझे यू नो यूट्यूब के अलावा कहीं और नहीं लगा. यू नो मौज पे मुझे नहीं पता कौन लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ऑनेस्टली आई डोंट नो दैम, लाइक मेरा उनसे इंटरेक्शन नहीं होता है, बट यूट्यूब पे मुझे पता है कौन लोग हैं यू नो जो रेगुलरली देखते हैं, लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, एंड या दिस इज़ द मेन डिफरेंस. तो या दिस इज़ द मेन डिफरेंस एंड किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लाइक यू गाइज कैन इमेजिन 1 ईयर अगर मैंने यही कंसिस्टेंसी रही, मेरे भी 1 मिलियन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है मौज पे, विच आई एम एमिंग, लाइक मेरा पूरा फोकस उस पर है, एंड आई विल मेक अ वीडियो हाउ टू ग्रो ऑन मौज, बिकॉज लाइक इट्स वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे, इट्स क्वान्टिटी ओवर क्वालिटी. वहाँ पर धड़ाधड़ अपलोड करते जाओ, यू विल गेट व्यूज़. लाइक हाँ मतलब मुझे तो लगता है मैं मेहनत करती हूँ अपने हर वीडियो में, बट यू नो आई हैव सीन पीपल जस्ट ब्लिंक एंड दे हैव लाइक 40,000 लाइक्स. सो या यू कैन क्लियरली सी कि बहुत ईजी है ग्रोथ होना ऑन शॉर्ट प्लेटफॉर्म. दैट्स वाई चार्ली डिविलियो, डिक्सी डिविलियो आर लाइक सेलेब्रिटी स्टेटस है उनका, लाइक लिटरली सेलेब्रिटीज, रेड कारपेट दे आर गेटिंग एंड वॉट नॉट दे आर गेटिंग. सो अब सोशल मीडिया पे इफ़ यू आर फेमस, यू आर इक्विवेलेंट टू यू नो एटलीस्ट टीवी स्टार इन माई ओपिनियन, क्योंकि आजकल टीवी कौन देखता है, सब मोबाइल ही देखते हैं. सो दैट्स आई थिंक अ शिफ्ट, एंड यू नो टिकटॉक के आने के बाद तो इट्स नो काइंड ऑफ आई थिंक फ्यूचर में जो ब्रांड डील्स, ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो इन्फ्लुएंसर होंगे, ना कि ट्रेडिशनल सेलेब्रिटीज, बिकॉज पीपल यू नो काइंड ऑफ रिलेट मोर टू इन्फ्लुएंसर्स दैन दीज सेलेब्रिटीज, यू नो एंड दिस इज अ पर्सनल टच ऑल्सो. यू नो यू गाइज कैन यू नो इन्फ्लुएंसर बेटर दैन सेलेब्रिटीज, जो अपनी हर चीज़ से पाते हैं. सो दैट्स आई थिंक ऑल्सो अ वेरी बिग डिफरेंस, एंड आई थिंक दिस इज़ वाई एंड जो भी फ्यूचर में कोलैब होंगे या ब्रांड डील्स होंगी या ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे वो इन्फ्लुएंसर्स ही होंगे, ऐसा मुझे लगता है. सो लेट अस सी, कुछ तो है कि यू नो इतना बोलने के बाद भी US ने तो टिकटॉक को बैन नहीं किया, इंडिया में तो वो बैन हो गया, बट आई विल से इट्स काइंड ऑफ बैड, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है फॉर अ 60-second वीडियो, और वो इंडिया में बंद हो गया है जिस लाइक में, और मुझे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स के बाद भी मौज पे तो किसी ने अप्रोच नहीं किया. लाइक मुझे इंस्टा और यूट्यूब के लिए यू नो मिलने लगे हैं बार्टर डील्स, बट नॉट फॉर मौज, विच इज़ अ सैड थिंग, बट आई एम हैप्पी दैट या आई एम गेटिंग एटलीस्ट सम सब्सक्राइबर, विच इज़ आई विश ऑन यूट्यूब. सो या एंड आई थिंक ऑल ओवर दिस ट्रेंड आई थिंक इज़ वेरी लाइक इट्स टू मच, लाइक अब हर चीज़ बेस्ट थी, अब हर चीज़ वर्स्ट है, ऐसा भी नहीं हो सकता. एंड या मे बी इफ समथिंग डजंट वर्क आउट फॉर यू, यू कैन टेल लाइक हे इफ आई हैव यू नो आई हैव ड्राई स्किन और ये मेरे ऊपर वर्क नहीं कर रहा, यू कैन टेल लाइक दिस, बट लाइक ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि दिस इज़ द वर्स्ट थिंग, यू शुड नॉट बाय दिस, एंड दैट इज़
you know, completely wrong. So in my opinion, I'm not de-influencing anything with, even if it's trending, I'm not doing it. And yeah, it's a weird thing now that everything is super worst. And yeah, बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं. पहली बात तो मैं बहुत यू नो रिव्यूज़ देख के ही कुछ ऑर्डर करती हूँ. बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे लगा कि यू नो बिल्कुल बेकार हैं. सो या एज आई वॉज सेइंग कि हर चीज़ अब वर्स कैसे हो गई एकदम से वैसे. तो यू नो एक्सट्रीम ऑफ एवरी थिंग इज़ वेरी बैड. एंड या सो आई फाउंड दिस ट्रेंड वेरी स्टूपिड, लाइक वेरी वियर्ड. सो या आई एम नॉट डी इन्फ्लुएंसिंग एनी थिंग इवन इफ इट्स ट्रेंडिंग. सो yeah, that's pretty much it for this video. Do let me know what you guys think about de-influencing. And yeah, I think TikTok is in that phase, like jahan pe pehle YouTube tha, you know, undiscourse sponsorship, fake reviews, and you know, the anti-haul thing, now it is called de-influencing. And you know, kuch to original karo, like ye sab hum dekh chuke hain already on YouTube. So and yeah, you can see the influence of TikTok. There was a Apple Foundation by KVD, जो कि जैसे ही यू नो टिकटॉक पे वायरल हुई थी, हर जगह सोल्ड आउट थी, लिटरली मिल नहीं रही थी लोगों को कहीं भी. सो यू कैन यू नो सी वाई दे आर गेटिंग सो मच पेमेंट फॉर 60-second वीडियो, बिकॉज या अब तो शायद 3 मिनट के भी वीडियोज़ में आने लगे हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग. 3 मिनट, 1 मिनट से तो अच्छा ही है. यू कैन सी sort of in-depth review of at least one product. So yeah, that's a good thing which is they are doing. But I think thoda sa us pe bhi jaise YouTube pe you know, you have to select whether this video is you know paid, sponsored. Uske baad hi you know you can push it for upload. So aisa kuch usme bhi hona chahiye. And it should be more you know visible ki ye video you know paid hai for the review and all. So yeah, I think it's a high time. Or maybe you know दूसरी ब्रांड पैसा दे रही हो उन्हें ये बोलने के लिए कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. सो ये भी हो सकता है. एंड सो दैट शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज्ड, यू नो एवरी यू नो वीडियो शुड बी डिस्क्लोज्ड वेदर इट इज स्पॉन्सर्ड और नॉट. अदरवाइज इट्स लाइक सीइंग अ एड विदाउट नोइंग दैट इट इज एड. सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय.